ओम श्री गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो फॉरवर्ड मूवमेंट, एक्शन का कार्ड आ रहा है एक्वेरियस। सो कहीं मूव, शिफ्ट, ट्रैवल, ओके, और ग्रोथ इज इंडिकेटेड इन द नियर फ्यूचर। यानी कि इस हफ्ते कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही है, जो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में वो ग्रोथ की तरफ आपको लेके जा रही है। नंबर 17 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 8 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। यस, स्पेशली आफ्टर 8 मुझे ऐसा लग रहा है थिंग्स विल मूव, एक शिफ्ट दिखाई दे रही है, एंड इट विल बी गुड फॉर यू। हैप्पी मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। वाओ, कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ मेजर साइकिल, यू नो, 8-8 पोर्टल है ना, तो मेजर साइकिल इज एंडिंग एंड अ न्यू साइकिल इज बिगनिंग। वेरी गुड एनर्जी एक्वेरियस, आपके लिए बहुत बदलाव आ सकता है, कुछ बड़ा बदलाव। कहीं आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटेड। एंड इफ इट इज़ नॉट अबाउट अ ट्रैवल, देन इट्स अबाउट अ चेंज इन योर लाइफ। चलिए और देखते हैं, लव लाइफ की अगर बात करें एक्वेरियस, ओके, सो यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है लाइक लव लाइफ की अगर बात करें तो हो सकता है देयर इज़ चॉइसेस, किसी के पास चॉइसेस हैं, ठीक है, समझ नहीं आ रहा। यू आर डीलिंग विद समबडी, ओके, और हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ यू नो स्टेबल या ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा है। लाइक ऑन द अदर हैंड आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, दे आर रिग्रेटिंग, मुझे लगता है आई डोंट नो, आपके जो पार्टनर है वो आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, या हो सकता है समबडी यू नो लाइक कोई है जो ना इनिशिएट कर रहा है, यू नो पुल्ड बैक एनर्जी है, और ज़्यादा बात भी नहीं हो रही है, बट वो रिग्रेट कर रहे हैं, या उनको किसी बात का दुख है। आई डोंट नो, ये इम्पल्सिव सी एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद अ जेमिनी लिब्रा और एक्वेरियस एनर्जी, यू नो, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि हाँ ये पर्सन यस आई डोंट नो बट दे आर चेकिंग ऑन यू आप, बट थोड़ा दूरी भी है, डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। आउटकम इज़ लाइक वेरी स्लो, या चीज़ें पिकअप हो सकती हैं, आई डोंट नो, आप लोगों के बीच में हो सकता है डिस्टेंस है ये जिनके, क्योंकि मुझे यहाँ दो लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो ये जो पर्सन है ऑफकोर्स कोई है, कुछ के लिए हो सकता है आपके स्पाउस हो जो आपके ऊपर चेकआउट कर रहे हैं या स्पाई कर रहे हैं, या हो सकता है कि यू नो दे आर वेटिंग अपॉन यू। चलिए और देख लेते हैं एक्वेरियस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन द कमिंग टाइम लव लाइफ में। प्लेफुलनेस, लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओके, लविंग योर सेल्फ। सो एक चीज़ जो यहाँ पे हो रही है दैट आप लोगों की ना स्पिरिचुअल यू नो लाइक बिलीफ जो है वो अलग है, लाइक आपका सोचने का नज़रिया अलग है, उनका अलग है, या बैकग्राउंड डिफरेंट है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आप लोग डिफरेंस कुछ है आप दोनों के बीच में, रिलीजियस फैक्टर्स है। तो एंजल्स कह रहे हैं लव योर सेल्फ फर्स्ट, फाइनेंसिस एंड करियर, हो सकता है कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट आप करियर के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन यू, बट ओवरऑल मुझे एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है रिलेशनशिप में, तो यू डोंट हैव टू चेज एनीबडी, थिंग्स कैन पिकअप। हो सकता है कि कुछ डिलेज हो सकती हैं, बट चीज़ें पिकअप कर सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है समबडी फ्रॉम द पास्ट कमिंग बैक, ठीक है। तो ओवरऑल खुद को प्यार दीजिए वो, और हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन हो, कुछ बात हो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सिंगल्स के लिए न्यू लव का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स का न्यू लव इज़ इंडिकेटेड, जब आप खुद से प्यार करते हैं, जब आप खुद से ऑनेस्टली यू नो लाइक खुद से भी और सामने वाले से भी ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करते हैं, न्यू लव कैन कम इन टू योर लाइफ, ओके, ये भी चीज़ दिखाई दे रही। तो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आप मैरिड हैं तो मैं आपको सिचुएशन बता चुकी हूँ, अगर आप सिंगल हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, तो बहुत चांसेस है कि एक नई शुरुआत हो सकती है, क्यों, क्योंकि नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है, आपको इसमें रहना है या आपको आगे बढ़ना है, दैट इज़ टोटली अप टू यू, ओके। और आपको ये देखना है कि कैसा रिलेशनशिप है आपका, अच्छा है, हेल्दी है, या वन साइडेड है,
ये देखना भी तो ज़रूरी है ना। चलिए करियर की बात करें फॉर ऑल द एक्वेरियस। ओके, ब्रेक थ्रू, अमेजिंग एनर्जी। सो दिल थाम के बैठ जाइए कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एंड इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। पहले ही हमारे पास वो एनर्जी आ चुकी है कि आप कहीं काम के सिलसिले में ट्रेवल कर सकते हैं, या एक नया साइकिल शुरू है आपकी लाइफ में जो आपको तरक्की की तरफ लेके जा रहा है, आपकी तरक्की के दरवाजे खुल रहे हैं। आप यहाँ देखिए, फॉरवर्ड मूवमेंट एक्शन का कार्ड है। दैट मीन्स कि कोई स्टेगनेंट एनर्जी नहीं है, रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है, और आपके काम बन सकते हैं। मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट अचीवमेंट, कि कुछ अचीव कर सकते हैं या एक नए सिरे से कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं, ऑब्वियसली तो वो अच्छी होगी। तो घबराइए मत, पेशेंस रखिए। फाइनेंशियली भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे एंड यू विल फील लाइक क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आएंगे, आप अच्छे से काम कर पाएंगे। मेहनत, यू नो, ऑब्वियसली आप आगे भी मेहनत करते हैं, बट दिस टाइम इट्स लाइक समथिंग डिफरेंट। ऐसा लगता है कि जैसे कि पोजिशन, अ गुड पोजिशन वेटिंग फॉर यू, यू नो, आप एक अच्छी पोजिशन आपका वेट कर रही है। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अगेन अ वेरी गुड एनर्जी। साईं बाबा की तरफ से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर यू। ऑफकोर्स साईं बाबा कह रहे हैं रिपीटिशन इन लाइफ। ओके, तो अब ये गौर करने वाली बात है। सर्कल का मतलब क्या होता है कि यू नो, वहीं जहाँ से शुरू होते हैं वहीं ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको देखना है दैट यू वांट दैट रिपीटेशन इन लाइफ और यू वांट टू मूव फॉरवर्ड और ब्रेक दैट पैटर्न, ठीक है। तो एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं लेसन्स इन लाइफ, एंड अगर आपको अपने पुराने गलतियों से या जो भी कुछ हुआ या किसी ने आपके साथ गलत किया, अगर आपको लेसन्स नहीं मिले हैं, यू नीड टू लर्न दैट लेसन्स अनलेस एंड अनटिल। आप वो लेसन लर्न करते रहेंगे जब तक आप वो पूरा सीखना चाहें, ठीक है, पूरा कहते हैं ना परिपक्व ना हो जाएं। वो बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपके साथ लाइफ वो चीज़ दोबारा दोबारा होती रहती है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप कहते हैं ना टीचर भी आपको पढ़ाता रहता है तब तक जब तक आपको वो पाठ पूरा याद नहीं हो जाता। सिमिलरली इट्स ऑल अबाउट दैट लाइफ, कि रिपीटेशन इन लाइफ। तो ये आपको देखना है हाउ इट रिलेट्स टू यू। क्या रिलेशनशिप की बात की जा रही है यहाँ पे, या करियर की बात करी जा रही है। एंड ऑन द अदर हैंड एंजल्स यहाँ पे ये भी कहना चाह रहे हैं कि सर्विंग द नीडी, सेवा कीजिए, चैरिटी कीजिए, जितनी आपकी मतलब जितनी आपकी इच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, आप दान कर सकते हैं या सर्व कर सकते हैं। सर्विंग द नीडी, हेल्पिंग अदर्स इन एनी वे, आप वो चीज़ कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये माइंड में रख के मत करना कि हाँ आप किसी की मदद कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, वो करवा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आप अपने माइंड में रखिए, कभी भी मन में ये नहीं लेके आइए। और ये चीज़ इस हफ्ते रिफ्लेक्ट हो रही है, और आई थिंक ओवरऑल हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। एंड मोर ओवर लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग थ्रू, ये आपके लिए एक चेंज का वक्त है। पैसेज ओपन हो रहा है, नंबर 11 दिखाई दे रहा है, 8 and 11। हो सकता है कि कुछ दिनों में आप ये चेंज महसूस करना शुरू कर देंगे। अगेन 8-8 एनर्जी आ रही है, क्योंकि 8-8 पोर्टल है, सो 8-8 एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है आपके रीडिंग में। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ इस टाइम एंजल्स कहना चाह रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी ऑनेस्ट, खुद के साथ ऑनेस्ट होना। जब आप पहले खुद के साथ ऑनेस्ट होंगे तभी तो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके साथ ऑनेस्ट रहे, है ना। और सब वो जो भी रिलेशनशिप होगा, जो भी करियर होगा, वो ऑनेस्टी के बुनियाद पे बिल्ड होगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।